बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम प्लीज खामोशी इख्तियार करें और खामोशी से कायद का खिताब सदर मुस्लिम लीग नूर। खामोश खामोश प्लीज। हसन इकबाल साहब ने कहा है कि आप खामोशी इख्तियार करें। मैं ज़रा हसन इकबाल साहब से पूछना चाहता हूं कि हसन इकबाल साहब, साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? इनको खुशी मना लेने दें। आपने खुशी मनानी है इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। उनको आज बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? सुन लो जरा, ये भोंडा, ये जो जिस पे फैसला किया गया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। ये मुस्लिम लीग, मैं आप सबको पहले तो बहुत खुश आमदेद कहना चाहता था अपने कारकुनान को, और ये कहना चाहता था कि अल्लाह के फजल व करम से खुशी मना रहे हैं, मैं रोकना नहीं चाहता। थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लें। अब आप सुनिए। आज कई बरसों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। ये मुस्लिम लीग नून की रूह है। आप मुस्लिम लीग नून के चलाने वाले, उसकी बुनियाद रखने वाले और उसकी पासदारी करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, और मुझे आप पे बड़ा फख्र है, बहुत फख्र है। आंधी आई, मी आया, बरसात आई, गर्मी आई, सर्दी आई, आपने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की।
मुस्लिम लीग का झंडा आपने हाथ में थमाए रखा और मैं इस पे आपको दिल की गहराइयों से अपने कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं। आपके साथ साथ मैं शहबाज शरीफ साहब को, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, बस अब दो मिनट जरा सुन ले। आपके साथ साथ मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत उतार चढ़ाव आए, बड़े नशेब व फराज आए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह पूरे इस्तेकाम के साथ खड़े रहे और पार्टी का उस इम्तिहान में पूरे उतरे जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले की गई थी पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की और आपके और मेरे दरमियान भी दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर, आफरीन है कि वो डोले नहीं, ना झुके ना बिके, अपने भाई के साथ खड़े रहे, इस पार्टी के लिए खड़े रहे, परचम थामे रखा। और मुझे इसलिए उन पे फख्र है, उन पे नाज है, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज माशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी फिर उन्होंने मेरे कंधों पे डाली है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जिनको ये कहा गया, मैं वजीर आजम था, कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़े, आप वजीर आजम बने। लेकिन शहबाज ने कहा, मैं ठोकर मारता हूं ऐसे वक्त उसमें के ऊपर जो भाई से बेवफाई के, अपने भाई से बेवफाई के सिले में मिले। ये मैं इसका खुद शाहिद हूं और मैं ये बात जानता हूं, ये आज से कई साल पहले की बात है। उसके बाद और भी मौके आए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी अपने भाई से बेवफाई नहीं की और वफा के जुर्म में जेल तक गए, लेकिन कभी भी उफ तक नहीं की। तो भाई, मैं तो समझता हूं कि ये अल्लाह के फजल करम से सियासत एक जगह अपनी जगह पर, लेकिन ये रिश्ता इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा ऐसे कायम व दायम रहेगा और इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। मैं आप सबके साथ साथ भाई नहीं ठहरे सब मैं आप सबके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूं। बहुत कड़े वक्त में उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा, जेलें भी काटी और पार्टी को मुतहर्रिक रखने के लिए दौरे किए और उन्होंने हर इम्तिहान में उन्होंने माशाल्लाह वो भी पूरी उतरी हैं और अल्लाह ताला के फजल व करम से वो भी वक्त था, देखें मैं भी जेल में बैठा हुआ हूँ और वो मुझे मिलने के लिए आ रही हैं और मेरे आंखों के सामने उनको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है। ये सारे मनाजर मैं बात कर रहा हूं, मैं उनके साथ साथ हमजा शहबाज की भी बात करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी जवां मर्दी के साथ जेल काटी, सजा काटी, कभी उफ तक नहीं की, बड़ी जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी। ये सब कुछ किस लिए था?
ये आप सब के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपने मुल्क के लिए था। तो भाई मैं समझता हूँ कि आप में से एक एक कारकुन अभी ये बैठे हुए हैं मेरे साथ यहाँ पर, राणा सुनावला साहब भी बैठे हुए हैं, बशीर मेमन भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सेक्रेटरी जनरल भी बैठे हुए हैं, इसहाक डार साहब भी बैठे हुए हैं, अमीर मकाम साहब भी हैं, जमाल काकड़ साहब भी हैं, शाह गुलाम कादर भी बैठे हुए हैं, हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी बैठे हुए हैं और वो भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन हमारा, बेगम इशरत अशरफ बैठी हुई हैं, इकबाल जफर झगड़ा साहब बैठे हुए हैं, खेलदास कोस्तानी बैठे हुए हैं और फिर काकड़ साहब का तो मैं नाम ले चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा अभी जो हमारे पार्टी के सदर बलोचिस्तान के जो आज गवर्नर हैं वो भी यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं जो गवर्नर बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से सब लोग वो हैं जिसमें हमें आज बहुत फख्र है कि वो हमेशा पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं, आप हर इम्तिहान में माशाल्लाह आप पूरे उतरे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहता हूँ, देखें आज मौका है, जनरल काउंसिल बैठी है, पार्टी की क्रीम है, क्यादत है, यहाँ बैठी हुई है, राणा सनाउल्ला साहब ने कौन सी सख्तियाँ जो बर्दाश्त नहीं की, कौन सी हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब है, कौन सी सख्ती जो बर्दाश्त नहीं की उन्होंने, और क्या क्या जुल्म नहीं झेले इन्होंने जेलों में, हनीफ अब्बासी साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, आसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, और फिर हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी हैं। फिर उसके बाद ख्वाजा सलमान रफीक हैं, तलाल चौधरी हैं, मियां जावेद लतीफ़ हैं, निहाल हाशमी हैं, आहद चीमा है, और हमारा मेरा छोटा सा भतीजा है यूसुफ अब्बास शरीफ, उसने भी इस उम्र में जेलें काटी हैं। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बहरहाल मैं समझता हूँ ये सब लोग जो हैं ये पार्टी के इंतहाई कीमती असासा हैं। और भाई मैं तो आज जब देख सोच रहा था कि सदारत का मनसबक मुझे दोबारा पेश किया गया है या मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जब से मैं वज़ीर आला बना पंजाब 1985 उस वक्त से लेके 2017 तक सारा नक्शा मेरे दिमाग में घूम रहा था, किन किन मराहल से मैं गुजरा और क्या क्या अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कारनामे अंजाम दिए, अल्लाह ताला कौन कौन से काम हमसे लिए, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, चाहे वो सूबे में चाहे वो मरकज में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को टर्न अराउंड किया और मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर उस ज़माने को ज़रा याद करो, मैं तो 1990 की तरफ नहीं जा रहा, अगर वहाँ से काउंट करोगे, खलल अगर ना आता तो आज पाकिस्तान इस खित्ते की तो दूर की बात है, इस बर्रे आज़म में एक मुनफरिद हैसियत रखता। ये मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए लोग सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होता, पाकिस्तान इस अपना
जो है वो बर आजम एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है, 1947 उस वक्त से जारी है और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को बहुत अफसोस की बात है कि कमज़ोर किया। मैं अभी बातें कर रहा था तो मुझे आ गया एक और कि कामरान माइकल साहब हैं, उन्होंने भी 10 माह की जेल काटी है। हाफिज़ नुमान साहब हैं, 10 माह उन्होंने जेल काटी है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उन्होंने जेल काटी है। तो इन सब फवाद हसन फवाद साहब ने जो है वो भी जेल काटी है 1.5 बरस। तो ये मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं ये नाम नहीं ले सका, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरी बात सुने। ये कभी कभी ऐसा मजमा होता है, आज पार्टी के करीम बैठी हुई है, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए, ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हकूमत संभाली मरकज़ में और वज़ीर आज़म अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगें खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती, गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ ना होती, आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी मेरे ज़माने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूँगा, मैं आज की बात नहीं करता, या 6 महीने या साल 2 साल पहले की बात नहीं करता, मेरे ज़माने में 104 था। आप यकीन करें कि 104 पर भी ना डॉलर पहुँचता, डॉलर आज भी कहीं 50 रुपए के लगभग होता। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार में सबसे आगे होता। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं 1990 में नहीं जा रहा, अगर मैं जाऊँगा तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा, 2017 में आ जाए। मैं बताता हूँ, कौम को भी पता लगना चाहिए, हमारी कौम की याददाश्त कमज़ोर है, कमज़ोर है, ये नहीं समझती किसी इसने क्या किया और ये शख्स क्या कर गया है, उसने क्या तामीर किया और इसने क्या तबाही की है। आटा मैं 35 रुपए छोड़ कर गया था, मैं फिर दोबारा गिनवा देता हूँ क्योंकि सबकी याददाश्त कमज़ोर होती है। रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था, सोना 50,000 रुपए तोला था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था, हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, कोई कशकोल नहीं था। यकीन माने, कभी कशकोल लेकर हम नहीं गए कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतना इमदाद दे दो, हमें इतनी ग्रांट दे दो, कभी नहीं। अपने जोरे बाजू पे सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वसाइल से सारे काम किए। दहशतगर्दी का खात्मा, जैसे पूछ चुके हैं वो आसन इकबाल साहब, हमने किया, हमने कराची का अमन हमने बहाल किया, मोटरवेज पाकिस्तान में हमने बनाई है, हमने। आज जरा कोई बता देना यार, आप भी बैठे हैं यहाँ पे, 1947 से लेके 2024 तक किसी ने कोई मोटरवे बनाई है? अगर कोई बनाई तो दिखाए ना भाई, अगर कोई बनाई है किसी ने तो दिखाए। हमने बनाई है। लोड शेडिंग का इस मुल्क के अंदर खात्मा किसने किया? 2016 में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। स्टॉक मार्केट अरूज पर थी और सीपैक पूरे जोर से चल रहा था और ज़रे मुबादला के ज़खायर नई बुलंदियों को छू रहे थे। भाई ये कुछ छोटी बातें हैं जो मैं गिनवा रहा हूँ आपको।
मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम 1990 से भाई आप ये देखे ना आपकी 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 आवाजों से भाई ठहरो यार आपकी आवाजों से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अभी 5 मिनट मैंने और बात करनी है, जरा आप खामोशी के साथ सुने जरा। तो मैं नारे ना मारे, अगर कोई हाँ अगर कोई ताली मारने की बात आती है तो तालियां बजा दें। लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली, करोड़ों आवाम को उस खुशहाली से महरूम कर दिया। मैं आज पूछता हूं उनसे पूछता हूं कि क्या भी ये कोई बात थी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वज़ीर आज़म हैं, आप घर जाएं छुट्टी करें। ये कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? और मुझे बताइए पाकिस्तान के अलावा आप किसी और मुल्क का नाम ले जहां ये ऐसे फैसले होते हैं, बताएं जरा बताएं। या तो होता ना कि मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा था अल कादर ट्रस्ट, जो भी आप जानते हैं ना अल कादर ट्रस्ट, जो इमरान खान का जो ट्रस्ट है, 460 अरब रुपए की मैंने हेरा फेरी की थी, उस पर अगर आप मेरी छुट्टी कराते तो कोई मुझे भी गिला ना होता, शायद कोई मेरा हमदर्द भी ना मिलता पाकिस्तान में। लेकिन आप मेरी छुट्टी करा रहे हैं कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ये कौन से मुल्क में ऐसा फैसला होता है? ये इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। आज क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? आपने हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और उस वक्त आपने झूठे केसेस में हमें मुलव्वस किया। 150 पेशियां मैंने भुगती, 150 पेशियां मरियम ने भुगती और हमें सजाएं, झूठी सजाएं दे दी आपने। और अभी वापस आए हैं तो आला अदलिया ने उन केसों को उठाकर बाहर फेंका, ये तो केस झूठे हैं। तो मुझे बताया जाए कि हमारे ऊपर ये झूठे केस क्यों बनाए गए? आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है, जरा मुझे बताया जाए कौन सा है? और फिर आप तो भी आपने तो आप भाई मैं थोड़ा सा अगर आपको गिनवाऊं, आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पर बैठ के शुरू की, इनके कंधों पर बैठ के आप सियासत में आए हैं। और आज वो टेप निकाल के सुन लें, आप सुन लें कि मैं जा रहा हूं भाई वहां पे बनीगाला में उनके घर पर, और उनके घर पे जाके मैं कहता हूं आए इमरान खान साहब आप भी चलें हमारे साथ मुल्क की खिदमत करते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं जाने की, हमारे पास काफ़ी तादाद थी कौमी असम्बली में, अपना एक मैंडेट था। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए, तो मैं उस गरज से उनके पास गया और मैंने कहा कि आप हमारा आप आए पार्लियामेंट में आए, आप हमसे आके बैठ के मुशावरत करें, आए मिल के मशवरे से गवर्नमेंट चलाएं। तो उन्होंने जनाब आपको पता है उन्होंने मुझे आखिर में कहा अच्छा नवाज शरीफ साहब ये बनीगाला की जो सड़क आती है ना ये बनवा दें आप, बनीगाला की सड़क पे बात ख़त्म हुई। मैंने कहा अच्छा जी बनवा देंगे, वो मैंने हफ्ते 10 दिन में बनीगाला की सड़क बनवा दी। उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन और वहाँ पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का, आप जानते हैं सारी इस बात को। और फिर वहाँ पर वो जो लोग हैं आप सुन लें, एक हमारे वो जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मुबशर लुकमान साहब, वो कहते हैं मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, बल्कि होटल का बिल भी मैंने दिया। जो वहाँ पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कैनेडा से, और एक अपने इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज लाई थे,
इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने खत्म